नमस्कार, रोजाना किचन में आपका स्वागत है। मैं अनीता आज शहतूत की जैम की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मेरे पेड़ का है शहतूत, सारे पक गए हैं शहतूत। इसे ये हाफ के जी शहतूत हम लिए हैं और इसे एक मिक्सी ग्राइंडर में डाल के एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। बिना पानी दिए ही इसे ग्राइंड करेंगे। एक कढ़ाई में 2 कप चीनी, 3/4 कप पानी डाल करके इसे गर्म कर लेंगे। हमको इसकी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इसको चीनी को मेल्ट करना है। ये देखिए अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है चीनी। अब इसमें पिसे हुए शहतूत को डाल देंगे। और उसमें थोड़ा सा मिक्सी ग्राइंडर में भी थोड़ा सा पानी डाल करके उसे भी इसी में डाल देंगे। आंच मीडियम ही रखेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसको बीच बीच में चलाते हुए गाढ़ा कर लेंगे। 1/3 बचा है, ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, देख सकते हैं। एक टी स्पून काला नमक, 1/2 कप विनीगर, 1/2 कप। देखिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और 1 नींबू का रस इसमें डाल देंगे ताकि इसका क्रिस्टल नहीं जमेगा। और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर और चलाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा से गाढ़ा हो गया है। अब इसे चेक करने का ये तरीका देखिए, प्लेट में डालिए और धीरे धीरे, अगर वो आ रहा है, बिल्कुल तेज़ी से नहीं आ रहा है, धीरे धीरे ड्रॉप उसका नीचे आ रहा है, तो समझिए कि ये परफेक्ट हो गया है जैम बनकर। क्योंकि ये ठंडा होने पे थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो अब गैस को कर देंगे बंद। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया ठंडा होने पर। और एक सूखे जार में इसे गर्म पानी से धो करके धूप में सुखा लें और लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखें। इसे लंबे समय तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रीज में रख करके। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, खट्टा मीठा और मालबेरी का जो अपना फ्लेवर है बहुत ही अमेजिंग लगता है। एक बार ज़रूर आप बनाइए और इसको इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए ब्रेड के साथ हम इस तरह से लगाइए, मालवेरी का जैम बनकर तैयार है। ब्रेड पे स्प्रेड करने के बाद इसका यूज़ कीजिए, बहुत ही टेस्ट अच्छा लगता है। अच्छे कमेंट दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।